चीफ खालसा दीवान के विवादित वीडियो मामले में आज एक बड़ा फैसला आया है, जिसके चलते धनराज सिंह को चीफ खालसा दीवान के द्वारा नया प्रधान नियुक्त किया गया है। इस बीच सारा दिन वैर विरोध में गुजरा, जिसमें कि 30 से 40 चीफ खालसा दीवान के सदस्यों ने पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह चड्ढा के दफ्तर के बाहर धरना लगाया और चरणजीत सिंह चड्ढा की बर्खास्ती की मांग की। इस बीच ये धरना लगभग 5 घंटे तक चला, जिसके बाद चीफ खालसा दीवान के सेक्रेटरी से नोकझोंक हुई, जिसके बाद ये एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें कि चीफ खालसा दीवान के विवादित प्रधान चरणजीत सिंह चड्ढा ने अपने आप को पद से मुक्त कर दिया, जिसके बाद चीफ खालसा दीवान के सीनियर मीत प्रधान को संविधान के मुताबिक प्रधान बनाया गया। इस बीच सुबह से प्रदर्शन कर रहे सदस्यों ने उनको प्रधान की पदवी पर बिठाया और इनसे प्रधान की सेवा की। इस बीच ये मामला सुलझ गया। जो आई असली मुश्किल आई हैं, जो हालात आए ने, वो हालात नू देखदे होया इस टाइम पे जो ए साडे मीत पंदार रहन गए ने, ए प्रधान की संभालणगे जो आए, ए बड़ी दुखदाई जे है, एदियां ते पूरी जांच होएगी। जिन्ना चिर उन्हां दी जांच कंप्लीट नहीं होंदी, उन्ना चिर ए सेवा तक पूरी ए सेवा निभाणगे हर तरह की होगी। लेकिन आने वाले तुम एक भी अनाउंस कर दें, साइबर क्राइम जो भी ऑलरेडी चल रहा है, रिपोर्ट FIR वगैरह हुई हुई है। बाकी असं 2 महीनों के अभी जी है नवी इलेक्शन भी अनाउंस मैनेजमेंट के जो संविधान कहता है कि जे वो सेवा तो किसी तरह बाहर गए ने ज हालात में वेखद हो तो उन्होंने एक प्रधान मीत प्रधान पूरा अधिकार है कि उस वे संस्था देखो हटाया नहीं गया। मैं उन्होंने आदेश भी ना उन्होंने लैटर भी आई सी, उन्होंने आप अपने आप कह कि मैं इस सेवा से हाले तक उन्ना चर मैं सेवा नहीं कर पावगा, जिन्ना चर मैं अपनी छवि को क्लीयर नहीं करा मैं सीट से बैठने का हकदार नहीं हाँ। उन्होंने अस्तीफा नहीं दिता, उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी इस सीट पर तां बैठागा जे मैं अपनी पोजिशन को क्लीयर करके आवागा तो मैं तां बैठागा, जिन्ना चर पोजिशन नहीं क्लीयर होएगी मैं सीट पर बैठागा नहीं। लेकिन इस तो बाद यह भी है कि असी और क्या कि असी इमीजिएटली जी प्री इलेक्शन करा रहे हैं, अपना इन 2-1.5 महीने एरिया इलेक्शन नवे साल दिया कर देंगे, जिहड़ा अगो प्रधान आएगा वो सेवा करेगा जी। इस टाइम पर प्रधान नहीं ने, उन्होंने अपनी थान से मीत प्रधान साथ धनराज सिंह हड़ा अपॉइंट किया, ऑफिशियल हाँ जी एक कार्यकारी इन्हों की सेवा संभालेंगे। जिस तरह गुरु रामदास जी महाराज ने सिर से मेहर बरियात रखा, वो जिस तरह भी कमेटी बुलाई जाएगी एग्जैक्टिव की, सारी कमेटी से मसला रखा जाएगा, जो भी कमेटी पास करेगी फिर वो अपना अमल किया जाएगा। एक 2 दिन तक सारा दफ्तर का सिस्टम और पहले ऑफिस बेरर की बुला के फिर एग्जैक्टिव की मीटिंग बुला लेंगे। मंदभागी घटना है पर मैं ये बारे पूरा कुछ नहीं कह सकता, जिन्ना चिर मैं कमेटी रखागा पूरी गल तफ्तीश होगी फिर ही कुछ दस सकता। मेरा एजेंडा यह है कि किसी तरीके सब तो पहले किताबों का फोकस है, दूजा वर्दियों पर फोकस है कि बच्चों सस्तियाँ किताबा मिलन, सस्ती वर्दियाँ मिलन, वधिया तो वधिया जिहड़े स्कूल लोग इन्होंने पैसे खरीद के पढ़ाई कराते, मैं बच्चों का म्यार होर उच्चा करा। जिवें वास्ते मैं सारे प्रिंसीपल सवान तो सारे अपने एग्जैक्टिव मैंबर की जॉइंट मीटिंग बुलावगा और सारे गुरु महाराज के हाजिर जरूर करके उन्हों को प्रण लवागा कि गुरसिखी ना जुड़ो तो गुरसिखी वाले काम कर्म करो जिदा तीफ खालसा दौर चढ़दियाँ कले ले जा सको।